कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले सेट यानी 14th अक्टूबर का डिस्कस करते हैं। 14th अक्टूबर 2018 के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी, पहले नंबर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब अगर देखिए 100 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600, और 100 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25। इन दोनों को सम करेंगे तो 625 आएगा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे हम 80 × 6 करेंगे, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 480, और 80 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा आपका 500। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज 500, ठीक है। 23 देखते हैं। 23 देखिए, 4 × 4 होगा 16, 5 × 6 होगा 30, 6 × 7 होगा 42, और 7 × 8 होगा आपका 56। इसमें देखिए, ये नंबर जो है इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, केवल सी 42 जो है, 6 × 7 = 42, ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और यही आपका आंसर है। तो 642, दैट इज सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस से, और इसमें आपका दिया गया 3 के अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, 3 के अपोजिट अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड में ही देखते हैं कि क्या क्या नंबर कॉमन है। सेकंड और थर्ड में अगर हम देखेंगे तो 4 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 4 से हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। 4 से पहले वाले में क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो 4 से 2 और 3 जाएगा, तो लिख लीजिए 4 और 2 और 3। इसमें 4 से क्लॉकवाइज रोटेट जाएंगे तो 4 से जाएगा 5 और 1, तो दैट मीन्स 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 1, तो 4 के अपोजिट में बचा कौन, तो 6। तो 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट में आपका क्या निकल गया, 1 निकल गया, दैट मीन्स सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ऑप्शन में से यहाँ कौन सा सिंबल स्टार मार्क की जगह पर डालें कि ये इक्वेशन पूरी तरह से करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन हम यहाँ डाल कर देखते हैं तो 13, और पहले प्लस 9 हो गया, इसके बाद क्रॉस हो जाएगा ये 14, और प्लस 11 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड 13, ये आना चाहिए 3 के। तो देखते हैं, ये 13 और 9, 9 × 3 = 22 हो जाएगा, 22 × ये हो जाएगा 5 और 2 = 25 हो जाएगा, और डिवाइड 13, 550। 550 को अगर 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 × 3 = 39 कभी नहीं आएगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका नहीं है। बी ऑप्शन दिया है आपका माइनस क्रॉस माइनस डिवाइड, ये हो गया आपका 9 × 4 = 13 × हो गया आपका ये 3 / 13, ये हो गया 12 / 13, ये कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगा, तो बी नंबर भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया है क्रॉस डिवाइड माइनस डिवाइड, 117 डिवाइडेड हो गया आपका 3, और फिर डिवाइडेड हो गया 13। ये अगर 117 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 27, 39 / 13, ये हो गया आपका 13 × 3 = 39, ये 3, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। 26 बोल रहा है कमल इज 5 times ओल्डर देन हर सिस्टर वीना, यानी कमल इज इक्वल टू 5V, ठीक है। कमल इज 5 times ओल्डर देन हिज सिस्टर वीना, हु इज, हु बोला यानी वीना के लिए बोला कि वीना इज 2 years लेस देन हर विजय, यानी वीना प्लस 2 ये हो जाएगा आपका विजय का एज, ठीक है। इफ विनय इज 10 years old, इफ विनय इज 10 years old, अगर विनय 10 years हैं तो ऑब्वियस बात है वीना कितनी होगी, इसे 2 साल छोटी यानी 8 years की है, ठीक है। तो कमल इससे 5 times ज्यादा है, तो कमल आपका क्या है 8 × 5 यानी 40 years का है, ठीक है। तो 40 years इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पजल से थोड़ा सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई जो है 5 boys है, ए और बी सी प्ले फुटबॉल, तो सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, ए बी सी डी
और ई, ये फाइव हैं। अब ये या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, या टेनिस खेल रहे हैं। फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। पहला बोल रहा है ए बी एंड सी प्ले फुटबॉल, तो ए बी और सी प्ले फुटबॉल, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ए बी ई प्ले क्रिकेट, ए बी ई प्ले क्रिकेट, ए बी और ई प्ले क्रिकेट, ठीक है। सी डी और ई प्ले हॉकी, सी डी ई प्ले हॉकी, ठीक है। तो बोल रहा है कि हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, तो केवल फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कौन से पर्सन है, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, दैट इज सी के पास आ रहा है। तो सी यानी डी नंबर इसका आंसर है, जो कि सी आपका इसमें डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको एनालॉजी से एनालॉजी का प्रेयर है, ये दिया है इस टाइप से, यानी एक वी को दो बार वी लिख दिया है, तो इसी तरह ये वी दिया है, तो इस वी को भी अगर हम देखें तो दो बार वी लिख दिया, दैट मीन्स डब्ल्यू आपका आंसर आएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 29 देखिए, इन ए गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर 16 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग, 16 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। हर एक राउंड जो है ये 2 मिनट का होता है और 5 मिनट का इंटरवल दिया जाता है हर 5 राउंड के म्यूजिक के बाद, तो हाउ मच टाइम विल टेकन टू कंप्लीट दिस कंडीशन। और ये भी बोल रहा है कि आफ्टर ईच राउंड देयर इज डिक्रीज इन 1%, ठीक है। तो 16वां राउंड अगर हम देखेंगे तो ये होगा आपका 2 मिनट का, ठीक है, 1% घट जाएगा। 15वां राउंड भी 2 मिनट का, 14वां राउंड भी 2 मिनट का, 1-1% हम घटाते जा रहे हैं क्योंकि हर एक राउंड में 1% घट रहा है। 13वां राउंड में भी 2 मिनट का, ठीक है, और 12वां राउंड भी 2 मिनट का, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, जैसे ही 5 राउंड हुआ यहाँ पे 5 मिनट का इंटरवल हो गया, 5 मिनट इंटरवल, ठीक है। यानी इस राउंड को पूरी तरह से कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो ये तो हो गया 10 मिनट और 5 मिनट का इंटरवल यानी 15 मिनट का समय लगा। इसी तरह 11वां अगर हम देखेंगे तो ये 2 मिनट, फिर 10 10 देखेंगे, 10 पार्टिसिपेंट रह जाएंगे 2 मिनट, इसके बाद 9 पार्टिसिपेंट 2 मिनट, 8 पार्टिसिपेंट 2 मिनट, फिर 7 पार्टिसिपेंट 2 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे भी फिर 5 मिनट का इंटरवल हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जो समय लगा ये 10 मिनट ये वाला और 5 मिनट इंटरवल यानी 15 मिनट का समय लगा, ठीक है। अब 7 बचे तो 6 के लिए फिर 2 मिनट, 5 के लिए 2 मिनट, 4 के लिए 2 मिनट, 3 के लिए 2 मिनट और 1 के लिए 2 के लिए 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 6 के लिए 2 मिनट हैं, 5 के लिए 2 मिनट हैं, 4 के लिए 2 मिनट हैं, 3 के लिए 2 मिनट हैं और 2 के लिए फिर 2 मिनट मिल गया है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, दैट मीन्स ये 5 यानी यहाँ 10 मिनट का समय लगा। और जब 2 पार्टिसिपेट यहाँ खेल ही लिया तो एक आदमी एलिमिनेट हो जाएगा, एक के लिए फिर से आपको तो कोई किसी के साथ पार्टिसिपेट उसका बचा ही नहीं, दैट मीन्स एक खुद एक विनर हो गया, तो विनर के लिए फिर आगे आपको तो उसके साथ पार्टिसिपेट करने की जरूरत है नहीं, दैट मीन्स यहाँ केवल 10 ही मिनट का समय लगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जब 2 पार्टिसिपेट रह गया तो जब इसका 2 मिनट का गेम हो जाएगा तो केवल एक विनर ही रह जाएगा, तो एक विनर रह गया, दैट मीन्स यहाँ जो गेम हुआ है ये 10 मिनट का ही हुआ, तो 15 मिनट का ये गेम, 15 मिनट का इधर और ये 10 मिनट, तो 15 और 15 30 हो गए हैं प्लस 10 यानी टोटल 40 मिनट्स का ये गेम कंप्लीट हो जाएगा, एक विनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 29 का, आपका 29 का है डी नंबर, दैट इज 40 मिनट, ठीक है। देखिए 30 नंबर देखते हैं,
अनिल इंट्रोड्यूसिंग मोहन सेज ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी अनिल के फादर के फादर का ग्रैंड डॉटर कहने का मतलब है इसके फादर की एक बेटी है, ठीक है, तभी ये इसके फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर हो गई और मोहन इसका हस्बैंड है, ठीक है, और मोहन इसका हस्बैंड है। तो हाउ मोहन इज रिलेटेड टू अनिल, तो मोहन रिलेटेड टू अनिल यानी ये क्या लगेगा, मोहन इसका ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लोटस का दिया है तो आपसे देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके अल्फाबेटिकल पोजीशन ले लेते हैं, जे के एल यानी 12वां पोजीशन, ओ 15, टी 20, ये यू 21 और ये 19, अगर इसको देखते हैं तो ये 18, टी 20, ये 24, ये 24 और टी यू यानी 21। अगर हम देखें यहाँ 12 से 18 यानी प्लस 6 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है यानी प्लस 5 हो रहा है, 20 से 24 यानी प्लस 4 हो रहा है, 21 से 24 यानी प्लस 3 हो रहा है, 19 से 21 यानी प्लस 2 हो रहा है, यानी प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस 2 आ रहा है। तो इसी तरह F का 6, ठीक है, J के L यानी 12, O 15, W हो गया 23 और E 5 ये 18, ठीक है। तो प्लस 6 अगर करेंगे तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो 12 पे क्या हो जाएगा, J के L, फिर प्लस 5 करेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा, 17 पे क्या हो जाएगा, R से पहले यानी P Q R, ये Q हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, 15 4 19 जाएगा, 19 वहाँ पे होता है आपका S, ये प्लस 3 जाएगा तो 23 और 3 26 यानी Z, ये प्लस 2 जाएगा तो 5 और 2 7 यानी F G, ठीक है, ये प्लस 1 जाएगा तो आपका 19 यानी R का S, L Q S Z G S, तो देखते हैं कहाँ पे है, एल क्यू एस जेड जी एस, ए नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए होटल में अगर हम देखेंगे तो एच का 8वां पोजीशन है, ओ का 15वां पोजीशन है, टी का 20वां, ई का 5 और ये एल का 12, ठीक है। अगर इन सबको हम टोटल करते हैं, ठीक है, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 12, ठीक है, ये 20 हो गया और ये 20 40 हो गया, 40 और 20 ये हो जाएगा आपका 60 और टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने यूज किए हैं, 2 2 4 और ये 5, तो 60 को 5 से डिवाइड किए तो ये हो गया आपका 12, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट और जितने अल्फाबेट यूज किए उससे उसको डिवाइड कर दिया है। इसी तरह देखते हैं टी यू 21, आर का 18, यू वी 22, ए का 1, एस का 19, आई का 9, इन सबको अगर टोटल करते हैं तो देखिए यहाँ हो गया 20, ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 30 आपका हो गया 90, ठीक है, और ये 2 2 4 2 6 यानी आ जाएगा आपका 15 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इस स्क्वायर को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ कितने ट्रायंगल होगा, एक और दो, इसको भी हम देखेंगे तो दो यहाँ से भी, एक दो यहाँ से भी, एक दो यहाँ से भी, एक दो यहाँ से भी, तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से और दो बीच वाला, तो दो दो चार दो छः दो आठ और दो दस तो यहीं पर हो गए। अब हम आते हैं जो कंबाइंड से निकले हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितने कंबाइंड से निकले हैं। जो कंबाइंड से हम देखेंगे तो पहले और दूसरे को मिला के ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, एक, ये दोनों को मिला के दो, इन दोनों को मिला के ये एक तीन और इन दोनों को मिला के
एक चार, तो चार और हो गए यानी टोटल कितने हैं 14। तो इसका आंसर है आपका सी 34 नंबर। देखिएगा टू साइन को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और कौन सा इक्वेशन ये सही होगा। पहला बोल रहा है इंटरचेंज करना है प्लस और एम नंबर इंटरचेंज करना प्लस एंड माइनस को, तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ 18 माइनस 12 हो गया, ये डिवाइड 5 हो गया, क्रॉस 6 और माइनस की जगह प्लस की है, क्या ये 15 आता है? तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये डिसमल में आ जाएगा, ठीक है, ये कभी भी आपको आता हुआ दिख नहीं रहा है, डिसमल में आएगा ये, तो ए नंबर तो आपका नहीं है। बी नंबर देखते हैं, बी क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बी अगर हम देखते हैं तो क्रॉस और माइनस का इंटरचेंज है, प्लस डाल दिए, ये देखते हैं कि 12 क्या आ रहा है क्या। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो 5 × 2 = 10, 2 point something आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है आपका, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, प्लस और क्रॉस 2, ये भी आपका देखिए डेसिमल में आ रहा है, 2 × 16 = 6, ये भी डेसिमल में आएगा सी नंबर, ये भी नहीं होगा। डी नंबर अगर हम देखें तो डी नंबर दिया है माइनस और डिवाइड, ये अगर हम करके देखें तो यहाँ आ गया 6 × 5 = 30 और ये 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 12, ठीक है, वहाँ प्लस ये 10 × 10 = 20 × 10 = 30 माइनस 15, ये आ गया आपका 15। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है डी। देखिए 35 नंबर बोल रहा है कि सिर्फ 6 एप्पल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप, 1 वाज लेफ्ट। अगर 6 एप्पल ग्रुप के सभी मेंबर को देखते हैं तो 1 एप्पल जो है ये आपका लेफ्ट रहता है, यानी एक एप्पल आपका बच जाता है। और अगर 7 एप्पल अगर इसी ग्रुप में अगर हम बांटते हैं तो एक आदमी को एक भी एप्पल नहीं मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, तो सीधे इसको क्वेश्चन से ही जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 15 अगर ग्रुप में 15 रखते हैं सभी को देंगे तो 15 × 6, 15 × 6 के हो गया 90 और एक एप्पल बचा हुआ यानी ये हो गया 91, यानी टोटल एप्पल की संख्या हो गई। अगर हम 15 का ग्रुप लेते हैं तो 15 × 6, सभी को 6 6 एप्पल दिया और एक एप्पल एक्स्ट्रा बचा, 15 × 6 = 90 यानी 91। अब ये पूरा 7 7 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें इन 15 लोगों में तो ये 15 × 7 कितना हो जाएगा, 105 आना चाहिए था, लेकिन एक आदमी को कम मिलेगा तो एक आदमी को पूरा बच जाता है। तो 105 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 8 और 7 = 15 और ये आ जाएगा आपका 9, तो ये 98 हो रहा, और जबकि यहाँ कितना है 91 है, पहला ऑप्शन आपका नहीं है। बी नंबर ऑप्शन करते हैं, बी नंबर चेक करते हैं, तो ये हो रहा है, बोल रहा है कि 10% बोल रहा है, यानी 6 के हिसाब से 60 एप्पल होने चाहिए और प्लस एक एप्पल यानी 61 एप्पल। तो अगर 10 में ही हम 7 के हिसाब से हम देखें तो 10 × 70, 7, एक आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 7 − 70 − 8 यानी 63, तो ये 61 है, ये 63, ये भी मैच नहीं कर रहा है। डी नंबर अगर हम देखें, अगर 8% हम लेते हैं तो 8 और 6 के हिसाब से देखेंगे तो 8 × 6 = 48 और एक एप्पल जो बचा हुआ यानी टोटल 49 एप्पल। अगर इसी 8% को हम 7 के हिसाब से दें तो 7 × 8 = 56, एक आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये कितना हो गया आपका, 9 और 7 = 16 49, ये दोनों मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा आपका डी। तो इन क्वेश्चन को सीधे आप ऑप्शन से भी जाके क्रॉस चेक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है, कोई एक अलग फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें इनमें तो कितने वॉवल का यूज हुआ ये देखते हैं, 1 वॉवल, 2 वॉवल, 3 वॉवल, 4 वॉवल और ये इसमें 5 वॉवल का यूज हुआ है, इसमें 1 2 और ये 3 वॉवल का यूज हुआ है, 1 2 और ये इसमें भी 3 वॉवल का यूज हुआ है, इसमें 1 2 और ये 3, इन सब में 3 3 वॉवल का यूज हुआ है, केवल मिनिएचर में आपका 5 वॉवल का यूज हुआ है, इसलिए यही रॉन्ग आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज से क्वेश्चन है 3 5 14 41, यहाँ पे देखें तो प्लस 3 का गैपिंग जा रहा है, 9 से 14 यानी प्लस 9 का गैपिंग जा रहा है, यहाँ प्लस 27 की गैपिंग जा रही है, यहाँ प्लस 81 की गैपिंग जा रही है,
यानी 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, तो 81 × 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 243, तो 122, और प्लस 243 प्लस कीजिए 5 4 2 6 3 3 65 आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं 365 बी नंबर आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय वॉक 10 मीटर इन फ्रंट फेसिंग सन, तो सन की तरफ यानी ईस्ट की तरफ फेस किए हुए है ये, ठीक है, फेसिंग सन। और ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर इन फ्रंट फेसिंग सन, यानी 10 किलोमीटर ये ईस्ट में गई। इसके बाद ये गोज 10 मीटर टू राइट, राइट में गई फिर से 10 मीटर। अब ये बोल रही हैं कि ये 3 बार लेफ्ट टर्न किए हैं और 5 15 और 15 मीटर रेस्पेक्टिवली गई हैं। तो पहला लेफ्ट टर्न लिया कितना का, 5, दूसरा लेफ्ट टर्न कितना लिया, 15, और तीसरा लेफ्ट टर्न कितना लिया, 15, ठीक है। फेस इधर है तो ये लेफ्ट होगा, यहाँ फेस इधर है तो ये लेफ्ट हुआ। अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये देखिए 10 और 5 15, तो ये भी 15 हो रहा है, तो ये 15 है, तो ये 10 और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा, तो ये 5 मीटर आपका आंसर आएगा, सी नंबर इसका आंसर है करेक्ट। 39 देखिए, देखिए सन एक स्टार है, ठीक है, सन जो है इसको स्टार बोलते हैं। तो ऐसी ये रिलेशन डे और नाइट है, डे और नाइट में नहीं है, बेड और स्लीप में नहीं है। डॉव एक क्या है, DOVE, डॉव यानी एक कबूतर जो है, ये क्या है, बर्ड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे सन स्टार है तो डॉव क्या है, तो बर्ड है, ठीक है, तो ये सी नंबर आंसर है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये 12 है, 2 है, तो ये 12 प्लस 2 और प्लस 1 करते हैं, तो 12 2 14 15, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, यही 5 आपका यहाँ पे। इसी तरह सेम एक 11 और 9 और 7 है, 11 9 और ये 7, ये कितना हो गया, 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, यही 9 है। इसी तरह 15, 4 और ये 17, 4 7 4 11, 5 ये हो जाएगा आपका 6 और ये 3, 36, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 12 आएगा, तो 12 आपका ए नंबर में है, ठीक है।